नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह, नार सिंह इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका अधिकतर जो उपयोग है 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ड्यूल स्टार्टर में 2 टाइप की वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग होती है, दूसरी कंट्रोल वायरिंग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ड्यूल स्टार्टर की जो है पावर वायरिंग आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको पावर और कंट्रोल वायरिंग जो है कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हम सबसे पहले पावर वायरिंग करना आपको सिखाते हैं। मैंने सबसे पहले जो अपनी MCB है इसको मेन सप्लाई जो है 3 फेज मेन सप्लाई जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। RYB तीनों वायर जो है कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद में मैंने आप देख पाएंगे कि MCB के आउटपुट सिरे से मैंने 3 लीड निकाली हैं, 3 वायर निकाले हैं, रेड, येलो और ब्लैक। दोस्तों, यहाँ पे आप ब्लैक की जगह ब्लू वायर भी ले सकते हैं। और तीनों जो वायर हैं आप स्टेप वाइज स्टेप देख सकते हो। आप तीनों वायर जो है रेड ये मैंने निकाला है और रेड जो है ये मैंने एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया है। एम्पियर मीटर के दूसरे से सिरे से निकाल के मैंने अपने कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, जो आप येलो जो वायर देख पा रहे होंगे, येलो वायर जो है MCB से सीधा निकाला और जो कॉन्टेक्टर के L2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो आपका ब्लैक वायर जो है उसको मैंने MCB से निकाला और आपके कॉन्टेक्टर के L3 टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, ये एम्पियर मीटर जो है ये लोड करंट मापता है। इसको आप किसी भी एक लाइन में जोड़ सकते हो, चाहे रेड में जोड़ सकते हो, येलो में जोड़ सकते हो, ब्लैक में जोड़ सकते हो, तीनों में से एक फेज में आप जोड़ सकते हो। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये मैंने सरणी क्रम में सीरीज में इसको जोड़ा है। एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो मैंने पहले एम्पियर मीटर आपको जोड़ के दिखा दिया। उसके बाद में ये है मेरे पास वोल्ट मीटर के 2 लीड जो टर्मिनल होते हैं T1 T2 जो होते हैं, इनको मैं जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल में जुड़ता है बोलते हैं, तो समांतर में जुड़ता है। इसको 2 फेजों के बीच में जोड़ सकते हो आप, चाहे तो R और Y के बीच में जोड़ सकते हो, चाहे Y और R के बीच में जोड़ सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तीनों में से 2 फेजों के बीच में आप जोड़ सकते हो। तो मैंने सुविधा के अनुसार 2 फेजों के बीच में जोड़ दिया, R और Y के बीच में इसको जोड़ दिया है। तो दोस्तों, अपना जो वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है अपन ने, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया है। और ये जो है आपका जो कॉन्टेक्टर है इसके तीनों इनपुट टर्मिनलों को भी मैंने सप्लाई दे दी है। इसके बाद में दोस्तों ये जो है ओवरलोड कॉइल है आपकी, इसका काम होता है जैसे ही मोटर ओवरलोड होती है, मोटर जाम होती है, मोटर ज्यादा करंट लेती है, तो उस टाइम पे जो है ये मोटर सर्किट को तुरंत ही ट्रिप करा देती है। इसलिए ये एक जो है सेफ्टी डिवाइस है दोस्तों। और इसको जो है कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं आप देख पा रहे होंगे आराम से T1 T2 T3 इसमें कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, इसको मैं कनेक्ट कर दिया मैंने। और जो मोटर के जो तीनों लीड आएगी, मोटर के 3 लीड आएगी T1 T2 T3, ये मोटर के तीनों जो लीड हैं यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। जो अपनी ओवरलोड कोइल है इसकी T1 T2 T3 यहाँ पे समर्सिबल की जो लीड जोड़ सब जो केबल जोड़नी थी, लेकिन समर्सिबल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक LED लैंप जो है लोड के रूप में कनेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो चलो दोस्तों, ये जो जितनी वायरिंग करी है अपन ने, ये वायरिंग कहलाती है पावर वायरिंग। पावर वायरिंग जो है ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। दोबारा से समझ लीजिए आप, सबसे पहले मैंने यहां से 3 L1 जो अपना रेड, येलो और ब्लैक वायर उठाए, उसको तीनों को उठा के मैंने जो है अपना कॉन्टेक्टर को सप्लाई दे दी और बीच में से एक वायर को मैंने काटा और जो आपका एम्पियर मीटर है उसके एक वायर जो है टर्मिनल 1 को और दूसरा टर्मिनल 2 को जोड़ दिया, यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और ये वोल्ट मीटर जोड़ा है मैंने, दो फेजों के बीच में इसको जोड़ना है, तो मैंने रेड और येलो के बीच में जोड़ दिया। दोस्तों, ये वायरिंग जो भी हमने की है ये होती है आपकी पावर वायरिंग। चलो दोस्तों, बिना देरी किए हम अब कंट्रोल वायरिंग करते हैं। दोस्तों, हमने कंट्रोल वायरिंग कर ली है। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आप सबसे पहले यहां से देखिए, मैंने जो आपका T1 है, ये जो T1 है
यानी कि इसको L1 भी बोल सकते हो आप। L1 से कॉन्टेक्टर के L1 से एक वायर जो है वो उठाएंगे और सीधा आपका जो ये ऑफ पुश बटन है, जिस ये जो दोस्तों वैसे जो नॉर्मली क्लोज बटन होता है, NC होता है, ये ऑफ करने के काम आता है, मोटर को बंद करने के काम आता है। तो NC के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, यही वायर NC के सेकेंड टर्मिनल से उठाएंगे। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ऑन पुश बटन है, जिसको अपन NO बोलते हैं, NO के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और NO के दूसरे टर्मिनल से उठाएंगे। और ये जो आपकी OLC आपको दिख रही होगी कि OLC का जो 95 टर्मिनल होता है दोस्त, अच्छी तरह से आप देखोगे तो दिख जाएगा आपको, ये देखो NC के 95 टर्मिनल के साथ मैंने जोड़ दिया। और OLC के 95 को जोड़ने के बाद में जो OLC का जो 96 नंबर टर्मिनल है, यहां से एक वायर जो है कनेक्ट करेंगे, 96 से एक वायर उठाएंगे और इसको दोस्तों सीधा अपन जो है जो आपकी NVC का जो A1 A2 टर्मिनल होता है, तो A1 को मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये NVC के टर्मिनल होते हैं A1 A2। यहां पे एक बार दोस्तों आप जरूर देख लें, ये आपकी जो NVC जो है इस पे लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ज, कईयों पे लिखा होता है 440 वोल्ट 50 हर्ज। तो ये दोस्तों 220 वोल्ट है, इसका मतलब है ये जो इस कॉन्टेक्टर के NVC जो है ये सिंगल फेज पे चलने वाली है, यानी कि 220 वोल्टेज पे चलने वाली है। तो दोस्तों मैंने क्या कर दिया, A1 को तो जो है फेज से कनेक्ट कर दिया, यहां से ये रेड वायर से फेज उठाया था, सबसे पहले जो है ऑफ पुश बटन में दिया, ऑफ पुश बटन में से ऑन पुश बटन में दिया, ऑन पुश बटन से निकाला और जो OLC का जो 95 टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया, OLC के 95 के बाद में 96 से निकाला और अपन ने जो कॉन्टेक्टर की NVC का A1 जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ A2 जो है, अच्छी तरह से आप देख पाएंगे A2 जो टर्मिनल है ये वाला, इसको मैं जो है फेज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर फेज दे दूंगा तो दो फेज हो जाएंगे, NVC को 440 वोल्टेज यानी 415 वोल्टेज मिलेंगे, NVC जल जाएगी। इसलिए मैं A1 को जो है फेज से कनेक्ट कर दिया और जो है A2 है उसको मैंने न्यूट्रल अलग से सप्लाई ली है दोस्तों, ये न्यूट्रल का देखो ये चौथा वायर अलग से लिया है मैंने, तो इसको अब जो है 220 वोल्टेज मिलेंगे और NVC जो है अपनी काम करेंगी। लेकिन दोस्तों अभी कंट्रोल वायरिंग आप पूरी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो है ये फेज उठाया, अब ये जो फेज रेड से उठाया ये मैं येलो भी से भी उठा सकता हूँ, ब्लैक से भी उठा सकता हूँ, तीनों में से किसी भी एक फेज से उठा सकता हूँ। यहीं से उठाया, ऑफ पुश बटन में दिया, ऑफ पुश बटन से निकाला, अपने OLC का 95 में दिया, 95 से निकाला, 96 से निकाला और जो NVC का जो A2 को जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों ये दो वायर आप देख पा रहे होंगे, येलो वायर मैंने जोड़े हैं, जो आपका NO जो पुश बटन है उसके पैरेलल में दो वायर जोड़े हैं मैंने येलो, ये इसलिए जोड़े हैं दोस्तों, यदि मैं ये नहीं जोड़ता तो क्या होता, जब तक मैं इस NO पुश बटन को दबा के रखता तब तक ही मेरी मोटर चल पाती, जैसे ही मैं इसको छोड़ता तो मोटर वापस बंद हो जाती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए मैंने क्या किया, जो ऑन पुश बटन होता है इसके पैरेलल में दो वायर जोड़े और ये जो कॉन्टेक्टर का आप देख पा रहे होंगे कॉन्टेक्टर में 2 13 नंबर और 14 नंबर NO टर्मिनल है दोस्तों, इनको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप पुश बटन को दबाओगे तो मोटर आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी, इस बटन को छोड़ भी दोगे तो भी लगातार चलती रहेगी, और जब तक चलती रहेगी जब तक कि आप इस पुश जो ऑफ पुश बटन है इसको नहीं दबाओगे, जब तक आपकी मोटर चलती रहेगी। तो दोस्तों जो है अपनी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, और इस वायरिंग को मैं एक बार डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, उससे पहले मैं दोस्तों एक बार आपको सप्लाई देके दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमने सप्लाई कनेक्ट कर ली है, जैसे ही ऑन पुश बटन को मैं दबाऊंगा तो मेरा जो कॉन्टेक्टर है होल्ड हो जाता है। देखो दोस्तों ये कॉन्टेक्टर जो है होल्ड हो गया, लेकिन आप बोलोगे कि सर एम्पियर मीटर जो है लोड क्यों नहीं दिखा रहा, तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जो अपना LED जो है वो बहुत ही कम रेटिंग की है, इसलिए ये ज्यादा करंट। और मैं जैसे ही ऑफ पुश बटन दबाता हूं तो मेरा जो कॉन्टेक्टर है ऑफ हो जाता है, दबाते ही ऑन ऑफ।
दोस्तों ये कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। और इसमें जो है काफी सारी और भी फंक्शन होते हैं, जैसे मोटर ऑफ है तो उस समय इंडिकेटर जलता है, ऑफ होते ही जलता है, मोटर ट्रिप होते ही फिर एक इंडिकेटर लगाते हैं वो भी जल जाता है। तो वो दोस्तों वायरिंग जो है आगे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको, नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। दोस्तों अब हम जो है इस कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग को है डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। दोस्तों हमने डायग्राम बना लिया है। डायग्राम में सबसे पहले अपन मेन सप्लाई जो है L1, L2, L3 उसको MCB के साथ कनेक्ट कर दिया है और MCB को जो है मेन कॉन्ट्रेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है और मेन कॉन्ट्रेक्टर को जो है अपनी OLC जो है उसके साथ दोस्तों कनेक्ट कर दिया है। और OLC की जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं दोस्तों T1, T2 और T3 उसको दोस्तों मैंने मोटर की लीड के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों ये जो वायरिंग थी ये पावर वायरिंग थी। अब करते हैं दोस्तों हम कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि अपनी जो NVC है वो 415 वोल्ट की है या 220 वोल्ट की है। दोस्तों अगर 415 वोल्ट की अपनी NVC होगी तो अपने को दो NVC के A1 A2 को दो फेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर अपनी NVC 220 वोल्ट 50 हर्ज की है तो हमारे को इसको एक फेज और एक न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमारे वीडियो में जो है हमने जो कॉन्टेक्टर काम में लिया था वो 220 50 हर्ज वोल्ट की NVC थी, तो इसलिए दोस्तों हम एक फेज काम में लेंगे और एक न्यूट्रल काम में लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं किन्हीं भी तीनों में से एक फेज जो है वो यहां से लूप करके मैं उठा लेता हूं दोस्तों। तो मैंने दोस्तों L3 फेज का यूज कर रहा हूं। मैं L3 फेज को दोस्तों मैं सबसे पहले जो अपना N से पुश बटन होता है दोस्तों, नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है NC, उसको सप्लाई जोड़ देता हूं दोस्तों। ये NC एक ऑफ पुश बटन होता है दोस्तों। NC की आउटपुट टर्मिनल से एक मैं वायर निकालता हूं और जो अपना NO जो पुश बटन होता है नॉर्मली क्लोज, ये ऑन बटन होता है दोस्तों, इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। और इसको दोस्तों निकाल के डायरेक्ट जो आप देख पा रहे होंगे OLC का जो 95 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूं और NVC का जो 96 जो टर्मिनल है, जो NVC का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं मैं। और NVC का जो A2 दोस्तों बच जाता है उसको मैं अगर मेरा 415 वोल्ट की अगर NVC होती तो मैं यहीं पे इन दो बचे L1 और L2 में से किसी भी एक फेज के साथ में कनेक्ट इसको यहां कर देता, लेकिन अपनी जो NVC है वो 220 वोल्ट की है इसलिए मैं दो फेजों के बीच में नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो वह जल जाएगी। इसलिए मैं यहां पे एक न्यूट्रल सप्लाई लेता हूं और न्यूट्रल सप्लाई को मैं A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो सप्लाई जो है यहां से होती हुई यूं घूमती हुई और ये होती हुई इस NVC में से पास हो जाएगी और आपकी मोटर जो है उसका प्लंजर जो है इधर खींच जाएगा और आपकी मोटर की सप्लाई जो है इधर से इधर चली जाएगी और आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये दोस्तों जब तक ही चलेगी जब तक इस आप NO पुश बटन को दबा के रखोगे। तो दोस्तों NO पुश बटन को एक बार दबाने के बाद में लगातार मोटर चलती रहे इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी आपका कॉन्टेक्टर होता है उसमें चौथा जो टर्मिनल होता है 13 नंबर और 14 नंबर वो दोस्तों एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होता है, ऑक्सिलरी NO कॉन्टेक्टर होता है NO, इसको जो है ये आपका NO पुश बटन है इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं समांतर में। तो दोस्तों यहां से मैं उठाता हूं 13 नंबर टर्मिनल को और इस वायर के ऊपर से लेके मैं क्या कर देता हूं, जो आपका NO पुश बटन जो है ऑन पुश बटन उसके पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। और दोस्तों आपका जो कॉन्टेक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का 14 नंबर NO जो टर्मिनल है उसको मैं जो है आपके NO पुश बटन के सेकंड नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पुश बटन को दबाओगे तो मोटर लगातार चलती रहेगी, जब तक चलेगी जब तक आप इस NC यानी कि ऑफ पुश बटन को प्रेस नहीं करें जब तक आपकी मोटर चलती रहेगी। मोटर दोस्तों ऑफ पुश बटन को बिना प्रेस किए जब ही बंद होगी, जब आपकी मोटर ओवरलोड होगी उस टाइम पे जो है आपकी
ये ओएलसी जो है परिपथ को ट्रिप करवा देगी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।